हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल इंक राइडर। सो बेसिकली अभी हम दिल्ली में हैं एंड दिस इज़ द डे वन ऑफ माय प्रिपरेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग राइड फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। तो बेसिकली अभी मैं अपने पैराग को लॉन्ग राइड रेडी बनाने के लिए अपने जर्नी के डे वन में हूँ। सो आज वी आर ट्रैवलिंग टू TNT मोटरसाइकिल्स। तो मैं नोएडा से भी वहीं जा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मैंने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है एंड अभी मैं दिल्ली में हूँ और अराउंड 40 मिनट्स में पहुँच जाऊँगा। सो मुझे कोई ऐसे भारी भरकम कैरियर वैरियर की ज़रूरत नहीं थी, आई वॉन्टेड अ सिंपल थिंग। सो अभी हम उसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। एंड सेकेंडली, जो हमारा क्लच था, हमने ईजी क्लच लगाया था, दैट इज़ नॉट वर्किंग वेल। लाइक मुझे अभी दिक्कत काफ़ी आ रही है उसमें, बट TNT मोटरसाइकिल्स में एक है जो कर देंगे ये चीज़ सही। तो आज मैं वही काम कराने जा रहा हूँ एंड दूसरा हमारा टोरिंग सेटअप डिस्कशन। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, व्हाई आई एम ट्रैवलिंग टू बॉम्बे। सो बेसिकली इफ यू डोंट नो, आई एम इन टू डिजिटल मार्केटिंग एंड मैं एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया इसमें 2 साल से हूँ, बट टेक्निकली आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। आई वॉन्टेड टू डू अ MBA। सो मैंने अपनी प्रिपरेशंस करी, एग्ज़ाम्स दिए एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आई गॉट अ MBA कॉलेज इन बॉम्बे। लास्ट 3-4 डेज पहले मैं 10 दिन के लिए बॉम्बे गया था टू फिगर आउट माई स्टे, एकोमोडेशन, ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज यू नो बॉम्बे इज़ वेरी कॉस्टली एंड एज अ स्टूडेंट वहाँ सर्वाइव करना इज बिट डिफिकल्ट। एंड कमिंग फ्रॉम चेन्नई, दिल्ली, हम लोग को बॉम्बे की छोटी चीज़ें थी, छोटे घर इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। सो टू टैकल दैट, मैं अभी 10 दिन के लिए बॉम्बे गया था टू फिगर आउट माई स्टे एंड ऑल्सो अपना यूनिवर्सिटी देखने गया था। थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप्स बनाई थी, वीडियोज़ बनाई थी, बट ऐसे फुल ब्लॉग नहीं बनाया था बिकॉज काफ़ी हैट्रिक शेड्यूल था मेरा वहाँ पे एंड गर्मी भी बहुत थी गाइस। एंड स्पीकिंग ऑफ गर्मी, दिल्ली में अभी भी बहुत गर्मी है। मैं अपने बाइक से ही ट्रैवल करना चाहता हूँ बिकॉज काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है, रोड्स भी काफ़ी सही है एंड ऑफ कोर्स अपने यूट्यूब के लिए भी एक बढ़िया सा वीडियो बन जाएगा। आई वॉन्टेड टू हैव दैट एक्सपीरियंस विथ माई बाइक कि मैं सोलो राइड करूँ, बिकॉज आज तक मैंने लॉन्ग राइड सोलो नहीं की है। डूइंग अ सोलो लॉन्ग राइड ऑफ मोर देन 1000 किलोमीटर्स इज़ अ बिग डील फॉर मी। आई वॉन्टेड दैट एक्सपीरियंस। सो मेनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स विल हैव दिस क्वेश्चन कि वाई आई एम नॉट चूजिंग जावास ओरिजिनल OEM टोरिंग सेटअप फॉर माई बाइक, बिकॉज पहली बात इट्स नॉट अवेलेबल गाइज। मैंने कम से कम 3 से 4 शोरूम पता किया है एंड ऑल्सो ट्राइड कि मैं पहले से अपफ्रंट पेमेंट करके ऑर्डर कर लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो वाई जावा SD की तरफ ज़्यादा भी ध्यान दे रहा है या समथिंग लाइक दैट, बट जो इन्होंने पैराग के लिए निकाला था टोरिंग सेटअप, दैट इज़ नॉट एट ऑल अवेलेबल। एंड मुझे जल्द से जल्द अपना काम करना था बाइक में, बिकॉज वंस सारा काम करने के बाद थोड़ी सी मैं शॉर्ट राइड्स करके अपने आप को सेट करूँगा, बिकॉज यू नो वो सेटल होने के लिए भी टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं है कि आपने आज लगाया और कल आप राइड के लिए निकल गए, तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती है वो आपको पता नहीं चलेगा एंड लॉन्ग राइड में दिक्कत करेगा। सो आई वॉन्टेड माई बाइक टू बी रेडी बिफोर आई गो फॉर लाइक 1 month बिफोर आई स्टार्ट माई राइड। एंड सेकेंडली, देर आर अदर थिंग्स लाइक BS ऑटो एक्सेरीज का भी बहुत बढ़िया सेटअप है जो मैं यूज़ करता था, बट मुझे अब उतना ज़्यादा हैवी सेटअप की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट ट्रैवल करने वाला हूँ, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ माई एम टू डू सो, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे लॉन्ग राइड्स में एकदम भारी भारी चीज़ें लेके चले जाते हैं, बहुत सारी बैग्स लगते हैं एंड इट रियली हैम्पर्स द राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ द बाइक। लाइक बाइक का पूरा राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है। सो आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी दोज काइंड ऑफ थिंग्स। आई जस्ट विल टेक अ डफल बैग एंड दैट्स इट। इन लोगों ने बहुत सारी मोटरसाइकिल्स कस्टमाइज़ करी है एंड अगर आपने मेरे चैनल में वो देखा होगा, एक फुली टोरिंग सेटअप वाला मैंने पैराग कवर किया था, पूरा का पूरा ट्रिप मशीन एंड सबके साथ पार्टनरशिप में था एंड दैट वर्क वॉज डन बाई TNT मोटरसाइकिल्स ओनली। सो या उसमें KNN फिल्टर लगा था, प्लस अपना प्रोस्पेक्ट का क्लच लगाया, सब कुछ लगाया उसमें। इफ़ यू हैव नॉट सीन द वीडियो, मैं आई कार्ड में दे दूंगा, ऊपर अभी आ रहा होगा, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। एंड अनदर वर्क विच इज़ डन बाई TNT मोटरसाइकिल इज अवर फ्रेंड वी नोमैड, ही ऑल्सो मेक्स वीडियोज़ ऑन पैराग। तो उनका भी जो बाइक है पूरा का पूरा टोरिंग सेटअप वाला बना था, विच अगेन वॉज डन बाई TNT मोटरसाइकिल्स
ही इज़ एक्चुअली फ्रॉम नागपुर एंड नागपुर से वो दिल्ली आए थे आई थिंक लास्ट ईयर एंड उन्होंने अपने पूरा जो सेटअप है टूरिंग सेटअप अपना पैराग में TNT मोटरसाइकिल से ही बनवाया था. अगेन अ वेरी ब्रिलियंट जॉब. उनका वीडियो भी मैं लिंक पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड वॉच चेक आउट. ओके आई गेस मैं गलत तो नहीं आ गया हूँ. लेट्स सी. ओह माय गॉड स्मॉल एक्सीडेंट देयर. चलो अपना काम करते हैं. ओके 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 हाँ मैं समझ गया. ओके आई एम कमिंग. अच्छा अच्छा TNT ना. ठीक है मिल गया मैं आई एम कमिंग फ्रॉम. ओके दे आर सो गुड मैन दे सेंड मी अ गाय टू लाइक कम. Barks and Walk. So if you are coming here, TNT motorcycle, then you have to search for Barks and Walk and उसके अंदर आप आ सकते हो. तो आपने देखा होगा TNT के अंदर घुसे थे बट अंदर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया बिकॉज यू नो they are working on multiple projects. Keeping in mind the privacy, मैंने अंदर कोई videos नहीं बनाया and also मैं अपने ही काम में busy था like discussion of the chassis bar, everything and clutch. So the good news is clutch is done. Coming to the chassis bar thing, so the update is no, today was a failure day. हमारा जो काम है नहीं हो पाया and discussion भी हुआ but it's not coming to my way like you know. They are definitely a good guys and their work is superb, splendid. But yeah, a little bit on a costlier side and to for me, अभी वो set नहीं हो रहा है. I need time to think and also मेरे को और भी options search करनी पड़ेगी. उसके बाद ही मैं इस petition ले सकता हूँ. So guys, now you can see, जैसे मैं आपको बता रहा था, इसका जो prospect का clutch था पहले अंदर की तरफ से लगा था, dome की तरफ से. And उसमें एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे एक pressure point create हो रहा था इस जगह पे, जिसके कारण जो है क्लच हार्ड फील हो रहा था एंड ऑल्सो गियरिंग में बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था. अभी जो हमने बाहर की तरफ से किया है एंड जो वायर एकदम स्ट्रेट है, इसमें कोई भी बेंड या स्ट्रेस नहीं है. सो नाउ द गियरिंग इज गुड एंड ऑल्सो न्यूट्रल भी आ रही है. दिस इज वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड इफ यू आर चेंजिंग इन टू प्रोस्पेक्ट. सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. छोटा सा ब्लॉग था एंड ऐसे और भी ब्लॉग्स में डालने वाला हूँ विच इज लाइक प्रिपरेशन फॉर लॉन्ग राइड दिल्ली टू बॉम्बे. This is video number 1. Aur bhi aise videos aayengi. Meet you all in the next video. Until then, bye. Stay safe and take care.